नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जयंती झा और आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश में, जहां हम आपको बताएंगे कि सरकार ने जन कल्याण में ऐसी कौन कौन सी योजना की शुरुआत की है जिनका लाभ आपको मिल सकता है। हर माँ बाप का एक सपना होता है कि वो अपनी बच्ची की शादी धूमधाम से करे, जिसके लिए वो समय से पहले पैसे जमा करना शुरू कर देते हैं। पर बहुत सारे परिवार ऐसे होते हैं जहां कमाने वाले व्यक्ति की आय इतनी नहीं होती कि वह फिक्स डिपॉजिट करने की सोच सके या बचत कर सके। ऐसे परिवारों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत 2015 में की गई। इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य 10 साल से कम उम्र की बच्ची की उच्च शिक्षा और शादी के लिए बचत करने के संदर्भ में एक निवेश योजना को शुरू करना था। इतना ही नहीं, जो लोग शेयर बाजार से दूर रहना चाहते हों और फिक्स डिपॉजिट में गिरती ब्याज दर से चिंता में हैं, उनके लिए यह योजना काफी कारगर साबित हो सकती है। अब आपको बताते हैं कि आप सुकन्या समृद्धि योजना के लिए बचत खाता कैसे खुलवा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत बैंक अकाउंट किसी गर्ल चाइल्ड के नाम पर उसकी 10 साल उम्र होने से पहले खोला जा सकता है, जिसमें शुरुआती राशि 250 रुपये तय की गई है। इस योजना के तहत लाभार्थी अधिकतम 1.5 लाख यानी 1.5 लाख रुपए जमा करवा सकता है। यह अकाउंट किसी भी पोस्ट ऑफिस या बैंक शाखा में खोला जा सकता है। जब बच्ची की उम्र 18 या 21 साल हो जाएगी, उसके बाद आप उसकी शादी तक इस अकाउंट में पैसे जमा करके इसका लाभ उठा सकते हैं। अगर बच्ची की उम्र 18 साल हो चुकी है तो आप उसकी उच्च शिक्षा के लिए भी 50% राशि इस अकाउंट से निकाल सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना की कुछ विशेषताएं आपको बता देते हैं। पहली, यह योजना भारत सरकार द्वारा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत शुरू की गई सबसे महत्वाकांक्षी योजना बताई जाती है। अगर आपकी बेटी 10 वर्ष से कम उम्र की है तो आप इस योजना के अंतर्गत खाता खुलवा सकते हैं। बच्ची की 21 वर्ष की आयु के बाद आप इस खाते से पैसे निकलवा सकते हैं। अगर आपकी बच्ची 18 वर्ष की है और उसकी शादी हो चुकी है तो आपको यह खाता बंद करवाने की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत न्यूनतम 1,000 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख यानी 1.5 लाख रुपये जमा करवाए जा सकते हैं। अभी तक जितनी भी बचत योजनाएं शुरू की गई हैं उन सब की तुलना में इस योजना के तहत सबसे अधिक ब्याज दर का प्रावधान शामिल है। इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें अभिभावक को इनकम टैक्स पे छूट मिलने का प्रावधान शामिल है। तो ये तो कुछ विशेषताएं हुई, पर इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत कुछ दायरों को भी निर्धारित किया गया है, यानी कुछ शर्तें हैं वो आपको बता देते हैं। अगर आपने अपनी बेटी की शादी 21 साल से पहले कर दी होगी तो आप इस योजना के अंतर्गत सुकन्या खाते में राशि जमा नहीं करवा सकते। अगर बेटी की उम्र 21 साल होने से पहले खाता बंद करवाया जा रहा है तो अभिभावक को बैंक में बेटी की उम्र 18 या 21 से कम होने का प्रमाण पत्र देना होगा। जब खाते से जमा पूंजी निकलवाने का समय होगा तो खाता धारक को पासबुक और विड्रॉल स्लिप दिखानी होगी, जिसके बाद उन्हें सारी जमा राशि वापस दे दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत सबसे बड़ी शर्त यह है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भारतीय नहीं है वो इस योजना के तहत खाता नहीं खुलवा सकता। अगर शादी करने के बाद बेटी किसी और देश में चली जाती है और वहाँ की नागरिकता ले लेती है तो उसके बाद से ही सुकन्या समृद्धि योजना का खाता अमान्य करार दे दिया जाएगा। तो ये थी सुकन्या समृद्धि योजना की कुछ शर्तें और विशेषताएं। अगर आप भी इन शर्तों के अधीन योग्य हैं तो आप भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के साथ आपसे लेती हूँ अलविदा। कल फिर मुलाकात होगी किसी अन्य योजना के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।